आईपीएल का अगला मैच राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला जाएगा और ये मैच जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में होगा। ये पिच बॉलिंग के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है और स्पिनर्स को थोड़ी बहुत मदद मिलेगी। यहाँ का एवरेज स्कोर है 125 का। अब बात कर लेते हैं दोनों ही टीम्स के प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में। सबसे पहले अगर बात करें राजस्थान रॉयल्स की, तो पहले है यशस्वी जायसवाल, जो इस साल राजस्थान रॉयल्स के लिए काफी अच्छे फॉर्म में लग रहे हैं और पावर प्ले में बहुत अच्छी शुरुआत दे रहे हैं। हालांकि पिछले मैच में उनकी पारी इतनी अच्छी नहीं रही थी, लेकिन एक कमाल के युवा खिलाड़ी हैं यशस्वी जायसवाल। फिर आते हैं रियान पराग, उसके बाद सिमरन हेटमायर, जो कि सिमरन हेटमायर नहीं है, हिटमायर है, क्योंकि इस पूरे आईपीएल में वो विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे हैं और राजस्थान के लिए एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण खिलाड़ी साबित हो रहे हैं। फिर आते हैं रविचंद्रन अश्विन, जो कि हर मैच में बहुत छोटा कंट्रीब्यूशन देते हैं बल्लेबाजी से, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहता है। उसके बाद आते हैं जॉस बटलर, जो इस टीम के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं, जो कि पावर प्ले में हर मैच में राजस्थान को अच्छी शुरुआत देते हैं। फिर आते हैं कप्तान संजू सैमसन, जिन्होंने पिछले मैच में अर्धशतक जड़ा था और ऐसा लग रहा है कि वो फॉर्म में वापस आ चुके हैं। फिर आते हैं युवा खिलाड़ी ध्रुव जुरेल, जो कि काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं इस साल। उसके बाद है ट्रेंट बोल्ट, जो कि शुरुआती झटके देने में बहुत ज्यादा कारगर साबित होते हैं। फिर आते हैं युजवेंद्र चहल, जो कि पिछले साल हाईएस्ट विकेट टेकर थे, इन्होंने आईपीएल में 28 विकेट ली थी। उसके बाद है संदीप शर्मा और आखिर में आते हैं लेग स्पिनर एडम जैम्पा। अब बात करते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की, तो सबसे पहले आते हैं कप्तान केएल राहुल और कायल मेयर्स। ये दोनों ही लखनऊ सुपर जायंट्स को हर बार बहुत अच्छी शुरुआत दे रहे हैं। पिछले मैच में केएल राहुल का फॉर्म वापस आ चुका है और कायल मेयर्स ने भी एक ठीक ठाक पारी खेली थी। फिर आते हैं मार्कस स्टोइनिस, उसके बाद दीपक हुडा, जो कि गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों से योगदान देते हैं। फिर आते हैं कुणाल पांड्या, जो कि आईपीएल में बहुत ही अंडररेटेड प्लेयर है, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी रही है। उसके बाद आयुष बदोनी, जो कि इस टीम में फिनिशर का रोल निभा रहे हैं। उसके बाद आते हैं 16 करोड़ के निकोलस पूरन, जो कि इस साल लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अगले हैं मार्क वुड, जो कि इस साल लखनऊ के बॉलिंग अटैक को लीड कर रहे हैं। उसके बाद आते हैं आवेश खान, फील्ड स्पिनर रवि बिश्नोई और आखिर में आते हैं युद्धवीर सिंह। तो ये थे दोनों ही टीम्स के प्रोबेबल प्लेइंग 11। हम ऐसे ही आपके लिए क्रिकेट से जुड़ी वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो पे कमेंट कीजिए। धन्यवाद।